मेरे भांजे सक्षम का मुंडन है और उसके लिए हम लोग सब कोई बिहार में इकट्ठा हुए हैं। और ये जो मंदिर है दोस्तों, ये हमारे गांव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे 1348 ईस्वी में स्थापना किया गया था। माता डाकनी का स्थान है यहाँ पे, और बाहर मंदिर के आपको एक कुआं और साथ ही में यहाँ डाक बाबा भी देखने मिलेंगे। और ये मंदिर बहुत ही पुराना है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ईस्वी बताया, गाँव में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये मंदिर। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने माँ का। इसी मंदिर में मुंडन का आयोजन किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं माँ डाकनी, जो अंदर में मंदिर है, उनका दर्शन आप कर रहे हैं अभी। और इसी मंदिर के प्रांगण में शिव जी का भी मंदिर आपको मिलेगा, जो हाल ही में अभी बनाया गया है। और इसके जस्ट बगल में आपको एक विशाल सा पेड़ दिखेगा, जिसकी मैं डेट आपको नहीं बता पाऊँगा कि ये कब से है, बट बहुत खूबसूरत है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये है दोस्तों पूरा मंदिर, और ये है नज़ारा बाहर का। और सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जितने भी रिलेटिव थे सब कोई आ चुके हैं यहाँ पे, और सब चारों तरफ घूम रहे हैं, मंदिर का व्यू देख रहे हैं और गांव का नज़ारा ले रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो चलिए मैं मिलाता हूँ अब आपको मेरे भांजे से, जिनका आज मुंडन होने वाला है। तो ये बेचारे यहाँ बैठे हैं भाई साहब। बहुत बुरा हुआ इनके साथ यार, कोई तो इन्हें खाना दुला के पहले। तो इसी के साथ दोस्तों मालिश करवाते हुए सक्षम जी, और कुछ ही क्षणों में इनका बाल पूरा साफ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुंडन स्टार्ट हो चुका है, और साथ ही साथ बेचारे का पूरा बाल जा चुका है, और यहाँ बच्चे का मुंडन चल रहा है। और बगल में देखिए दीदी आके बैठ के हंस रही हैं, बताइए। मतलब एक तो बच्चे का बाल जा रहा है और दीदी इंजॉयमेंट ले रही है उसका, और दीदी कम नहीं थी तो जिया जी आके बैठ गए। और मेरी माता जी का क्या कहना, उन्होंने कहा मैं भी ज्वाइन करूँगी, आ जाओ भाई सब मिल के देखो। और ये पैसा मिलने लगा, और यहाँ पे मेरी नानी जी भी आई हुई हैं शगुन का पैसा देने के लिए, और मम्मी को देखे समझा रही है कि हाँ किनको देना है, वो बताया जा रहा है। सक्षम को आशीर्वाद मिला। और एक चीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ये इतना उदास क्यों है, मतलब इसका बाल चला गया इसलिए उदास है, या इसे पैसे नहीं मिल रहे इसलिए उदास है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। ये मेरी प्यारी बुआ जी आई हुई थी, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया, और आप देख पा रहे होंगे पूरा पैसा मिला है, बेचारा फिर भी रो रहा है। अरे मामा जी, अरे इतने पीछे कहाँ चले गए, मुस्कुराइए मत, आइए आशीर्वाद दीजिए। तो मामा जी आ चुके हैं मामी के साथ। अब देखो ये भैया जी मौका नहीं छोड़ते, मतलब मौका मिलना चाहिए भाई साहब को मेरे। अरे ये कौन है, अरे किनका बच्चा खो गया भाई। हाँ बैठा दो पापा, मैं जूस पीऊँगी ना, आराम से बैठे। थैंक यू पापा, अब मैं आराम से जूस पीऊँगी। अरे ये क्या कर रहे हो, अरे खड़ा ही करना था तो बैठा है क्यों। और यहाँ पे मेरी भांजी भी खुशी, दोनों भाई बहन बैठे हैं साथ में, और यहाँ पे इनकी मालिश होगी। नानी दादी चाची मम्मी सब है, तकले की सफाई हो रही है। पूरा अच्छे से मसाज करवाया इन्होंने, आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही मुंडन संपन्न रहा, और इसके बाद समय आता है सबसे पहले डाक बाबा का आशीर्वाद लेने का, क्योंकि मंदिर में जाने से पहले आपको डाक बाबा से आशीर्वाद लेना पड़ता है, और उसके बाद आप मंदिर के प्रांगण में इन करेंगे, और फिर फाइनली माँ के मंदिर के अंदर आप जाएंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। ये है मुंडन से पहले, और ये है मुंडन के बाद। इसके बाद मैं चला गया अपनी प्यारी फुआ के पास फ़ोटो खिंचाने, और इसके बाद मैं चला गया मम्मी के पास, और मम्मी अपनी माँ के पास बैठी थी, यानी मेरे नानी के पास। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो लिया, और फिर दोस्तों मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, शाम के पार्टी के अरेंजमेंट में लग गया पूरी तरह से, एक भी वीडियो शूट नहीं कर पाया। और सारा कुछ ख़त्म करने के बाद इतना ज़्यादा थक गया था, मस्त बांस का मचान मिला मुझे, इस पर रिलैक्स कर रहा था।